दो टाइप के होते हैं, एक कॉपीराइट क्लेम होता है, एक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है। कॉपीराइट स्ट्राइक आने पे आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली वो डिलीट हो जाएगा, वो आपका चैनल वापस कभी नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने बताया है कि आपका चैनल डिमोनेटाइज कैसे होगा, और मैंने उसी में आपको बता दिया कि नेक्स्ट वीडियो में कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट डालूंगा। तो गाइस, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कम्युनिटी गाइडलाइंस दो टाइप के होते हैं, कॉपीराइट क्लेम होता है और एक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है। अगर आप किसी का सॉन्ग यूज करते हैं या किसी का वीडियो यूज करते हैं तो आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा और आपका चैनल डेड हो जाएगा, आपका चैनल यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे से हटा दिया जाएगा। आप लोग अगर आप लोग कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं चाहते हैं तो आप लोग किसी का वीडियो या किसी का कंटेंट नहीं यूज कीजिए। और दूसरा होता है कॉपीराइट क्लेम। अगर आप 30 सेकंड का वीडियो डाल रहे हैं, शॉर्ट से डाल रहे हैं या लॉन्ग वीडियो डाल रहे हैं, और अगर आप किसी का यूज करते हैं या कोई वॉइस ओवर यूज करते हैं या आप उसका स्क्रीन रिकॉर्ड यूज करते हैं या आप उसका इंट्रो यूज करते हैं तो उस पर आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा। अगर कॉपीराइट क्लेम आपको आता है तो वो कुछ नहीं है, उससे आप वीडियो भी डिलीट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कॉपीराइट क्लेम अगर आता है तो यूट्यूब जब आपका चैनल मोनिटाइज करेगा तो वो उसका व्यूज आपका काउंट नहीं करेगा, वो उस वीडियो को छोड़ के और हर एक वीडियो का व्यूज काउंट करके आपका चैनल मोनिटाइज करेगा। अगर कॉपीराइट क्लेम आता है तो, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो आपका चैनल डेड कर दिया जाएगा, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे से हटा दिया जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए।